अमीना, खैरियत तो है ना? आज इतनी चुप क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, बस सोने लगा हूं मैं। तो याद आया, वो अम्मी की तरफ गई थी। जारा तो ठीक है ना? जी जी, जारा ठीक है। तो वो तुमने अपने हिस्से की बात की थी, वो जमीनों के बारे में? नहीं, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बात नहीं कर सकी। बेवकूफ औरत, ये छोटी छोटी बीमारियां ना किसी भी बुरी खबर का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। वो उन्हें कहो कि सीधा सीधा तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे और अपनी उम्र में इजी होकर बैठे। नहीं, मैं उनसे ये नहीं कह सकती। तुम नहीं कह सकती तो फिर कौन कहेगा? बस कर दें अहमद, हमें उनकी जमीन जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आपकी जितनी हैसियत और हिम्मत है ना, उसके मुताबिक काम करें। बस बस, आज तक अपनी हिम्मत और हैसियत के मुताबिक ही काम करता आया हूँ। रोज रोज नहीं भेजता रहा तुम्हें कि जाओ जाके अपना हिस्सा मांग लो। अब कारोबार में ऊंच नीच आई है तो मैंने तुम्हें कहा है ना कि जाओ माँ से कहो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दे। हर साल तो आपका कारोबार ठप हो जाता है, फिर नया कारोबार करने के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ जाती है। सालों से मैं ये तमाशा देखती आ रही हूँ, आखिर कब तक और कितना कर सकते हैं आपके लिए? किस कदर जुबान चल रही है आज तुम्हारी, न वहां जाके यही बकवास सीख कर आती हो, हद हो गई। पता नहीं किस किस्म की औरत हो, जिस दिन से मेरे घर आई हो ना, मेरा कारोबार तबाह होकर रह गया।